2024 में अपने आप को एक गिफ्ट दीजिए, अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीजिए घर से। अगर आप भी इस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो मेक श्योर इस YouTube वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीजिए। ऑनलाइन बिजनेस आज की डेट में लोगों को लगता है स्कैम है। आई नो स्कैमर जरूर हैं, लेकिन आपको लेजिट वे ढूंढना है। आपको ऐसे कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करना है जो आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ला के दे जिसके बाद आप लेजिट वे में पैसा कमा सके। मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था अपना 2020 में, एंड आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो चुके हैं। मैं बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर चुका हूँ, बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताऊँ। सबसे पहले आपने एक जीमेल का अकाउंट बनाना है, क्योंकि जैसे ही आप जीमेल के अकाउंट बनाएंगे आपको एक्सेस मिलेगा जीमेल के सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स का, जैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल कीप हो गया, गूगल नोट हो गया, गूगल शीट्स हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया। बहुत सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं जिसका एक्सेस आपको मिल सकता है सिर्फ एक ईमेल आईडी बनाने से। तो प्लीज मेक श्योर सबसे पहले आप एक जीमेल का अकाउंट बनाएंगे, बट प्लीज थोड़ा प्रोफेशनल लगे। अंकित लकी बॉय @gmail.com नहीं चलता। आपको एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाना है, @gmail.id चल सकता है, बट प्लीज मेक श्योर जो भी आप ईमेल आईडी बनाए वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। अंकित लकी बॉय @gmail.com प्लीज ना बनाइए। अब प्लीज अंकित लकी बॉय को आप ईमेल्स मत लिखिए, हो सकता है किसी का ईमेल आईडी हो सकता है, बट प्लीज लकी बॉय करके या लवर बॉय करके आप प्लीज कोई भी ईमेल आईडी नहीं बनाए। आप अपनी प्रोफेशनल नई ईमेल आईडी बनाए जिसको आप यूज करेंगे सिर्फ अपने ऑनलाइन बिजनेस। सेकंड, अब आपको बनाना है अपना लिंक्डइन या ट्विटर अकाउंट। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत प्रोएक्टिव हैं, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप न्यूज बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत एक्टिव रह सकते हैं ऑनलाइन, तो प्लीज स्टार्ट कीजिए ट्विटर पर, क्योंकि ट्विटर पर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑडियंस भी हैं एंड इंडियन पढ़ी लिखी ऑडियंस है। अगर आपको लगता है कि आप टेक्स्ट फॉर्म में अच्छे हैं, आप कॉन्टेंट लिख सकते हैं, लोगों के साथ एंगेज कर सकते हैं, तो आप प्लीज यूज कीजिए लिंक्डइन। अब लिंक्डइन को यूज कैसे करना है, लिंक्डइन पे वायरल कैसे होना है, उसका पर्टिकुलर मैंने एक कोर्स भी बना रखा है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने बहुत सारे फ्री ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं लिंक्डइन के ऊपर, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपको लिंक्डइन पे अकाउंट जरूर बनाना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में होंगे या कोई भी बिजनेसमैन किसी वेंडर को रीच आउट करना है, इवन कस्टमर्स को भी रीच आउट करना है, आज की डेट में लोग लिंक्डइन पे अवेलेबल है। जैसे आप लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएंगे सबसे पहला काम आपको होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए एंड आपका अगले 60 से 90 दिन का कंटेंट कैलेंडर रेडी होना चाहिए। कंटेंट कुछ भी हो सकता है, बट मेक श्योर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड ही हो एंड बिजनेस से अलाइन करे, सो दैट जो भी आपका कंटेंट पढ़े वो ऑटोमेटिकली ये समझ पाए कि आप उनकी बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड वो तभी हो सकता है जब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है एंड आपने करेक्ट CTA बना रखा है। एंड आई एम श्योर आपको लिंक्डइन की उतनी नॉलेज नहीं होगी, बट डोंट वरी, लिंक्डइन की नॉलेज लेने के लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। थर्ड, स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन एनी सोशल मीडिया चैनल, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो। लिंक्डइन हमने बनाया था क्योंकि हमें प्रोफेशनल टोन में लोगों से बात करनी है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमें कंटेंट इसलिए बनाना है ताकि हम वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकें अपने प्रोडक्ट्स की और औरों की प्रोडक्ट्स की, एंड वहाँ से कमीशन भी ले सकें, सो दैट थोड़ा बहुत हमारा कैश फ्लो भी आना स्टार्ट हो जाए एंड वहाँ पे हम एड्स को रन कर पाए। ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा एड्स पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आगे जाके धीरे धीरे आपकी डिपेंडेंसी एड्स से कम हो जाए एंड आपकी कंटेंट मार्केटिंग या आपका SEO काम करना स्टार्ट कर दे, बट इनिशियल पुश के लिए अगर आपको ये समझना है कि जो भी आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं उस आइडिया को वैलिडेट करना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया आइडिया होता है कि आपको इनिशियली एड चलानी है, चाहे 5,000 की चलाइए, 10,000 की चलाइए, 20,000 की चलाइए, जितना भी आपके पॉकेट में अवेलेबिलिटी है कैश की, उतने की आप एड चला सकते हैं कितना लोग पसंद कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को। क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता हो या आपके जो आसपास का सर्कल हो उनको लगता हो कि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो tier 2, tier 3, tier 4 जो स्टेट्स है वहाँ के लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं है? हो सकता है कि कुछ लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद हो। सो प्लीज मेक श्योर बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेंट बनाना स्टार्ट कीजिए इस पर्पज से कि आगे जाके आपको एड्स मिले। अब नेक्स्ट आता है पेमेंट कलेक्ट करने का ऑप्शन। आई एम श्योर जो भी आप प्रोडक्ट सेल करेंगे आपको पेमेंट भी कलेक्ट करनी होगी, राइट? अगर आप Amazon या Flipkart पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, देन ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट होगी वो Amazon Flipkart के थ्रू डायरेक्ट आपके बैंक में आएगी। अगर आप इंटरनेशनल या डोमेस्टिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर यू नो कि PayPal, RazorPay, PhonePe, PayTM, GooglePay, ये सारे UPIs अवेलेबल है, इन सबके पेमेंट गेटवेज हैं, तो आपको इसमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड उसका लिंक आपको हर जगह डालना पड़ेगा, सो दैट जो भी आपका प्रोडक्ट परचेज करे
परचेज करने से पहले वो आपके पेमेंट गेटवे तक पहुंचे, जो कि चेकआउट पेज होता है। जैसे आप अमेजोन में शॉपिंग करते हैं तो ऑफकोर्स उसमें शॉपिंग का कार्ट होता है एंड चेकआउट पेज होता है, वैसे ही आप रेजर पे पे, फोन पे पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, ऐसे बहुत सारे पेमेंट गेटवे से जिसपे जाके आपको सबसे पहले साइन अप करना है, कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आपका अभी जीएसटी नहीं है तो आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, सेविंग अकाउंट का नंबर दे सकते हैं, सो दैट जो भी कलेक्शन होगी उन पर्टिकुलर पेमेंट गेटवेज में वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक ट्रांसफर। अब इतना सब कुछ तो मैंने बता दिया, क्या सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं? उससे बेटर होगा आप टीम हायर कर सकते हैं। अब टीम हायर करेंगे तो ऑफकोर्स पैसा देना पड़ेगा, तो उसका सबसे बढ़िया वे होता है आप इंटर्न्स को हायर कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं आवरली बेसिस में। अगर आपको इंटर्न्स हायर करने हैं सस्ते रेट में लेकिन अच्छे इंटर्न्स हायर करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं इंटर्नशाला। अदरवाइज आपने जैसे लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना लिया, आप लिंक्डइन पे थोड़े एक्टिव हो गए हैं, आप लिंक्डइन पे भी इंटर्नशिप को पोस्ट कर सकते हैं, आप अपने रेफरल से भी पोस्ट सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको फ्रीलांसर ही चाहिए कि आप आवरली बेसिस पे एक एक्सपीरियंस बंदे को लेना चाहते हैं ताकि वो चाहे सिर्फ एक घंटे या दो घंटे काम करें बट आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके, तो आप अपवर्क पे जा सकते हैं। एंड उन सब चीजों के लिए मैंने बहुत ही डिटेल में ट्यूटोरियल बना रखे हैं हिंदी लैंग्वेज में, वो आपको सारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको अपवर्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैंने बात की इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट मेक श्योर इस स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी को यूज कीजिए, 2024 में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। दिस इज मनीष कुमार साइनिंग ऑफ।